हेलो बच्चों तो वही कैसे हो आपसे भी आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चों तो वेलकम टू तो दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला जहां पर तुम लोगों का समरी सीरीज का जो बैच चल रहा था उसमें आज हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कवर करने वाले हैं और ये वन शॉट होगा यानी कि हम एक ही शॉट में पूरा का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन खत्म करेंगे ठीक है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में क्लास टेंथ में कुछ नहीं है जो तुमने क्लास नाइन्थ में पढ़ी थी फिगर्स जैसे कि घन घनाप गोला बेलन शंकु अर्धगोला ठीक है इन सबको ज्वाइन करने पर यानी कि इन सबको जोड़ने पर इन सबके संयोजन से जो आकृतियां बनती हैं या जो ठोस बनते हैं उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कैसे निकाला जाता है ये हमारा यहां पर डिस्कस होता है ठीक है तो मेनली जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो क्वेश्चंस पर बेस्ड है और अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर से हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से हर साल लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और इस साल भी 110% परसेंट लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे तुम लोग नहीं रोक सकते ठीक है तो भाई रेडी रहना इस चीज के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है अच्छा चैप्टर है और इंपॉर्टेंट चैप्टर है ठीक है एक बार सारे फॉर्मुलाज रिवाइज करेंगे आगे बढ़ाते हैं अपनी आज की इस क्लास को तो जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है तुम सबको पता ही है क्या कि भैया पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ठोसों के संयोजन का आयतन एक ठोस का दूसरे ठोस के आकार में रूपांतरण और अभ्यास प्रश्न इन सब पर आधारित तो शुरुआत करते हैं बच्चों सबसे पहले हमारा कि जो हमारे पास ठोस होते हैं ठोस का मतलब क्या है यार ठोस आपने साइंस में पढ़ा होगा कि ठोस द्रव गैस आपकी द्रव्य की यानी कि मैटर की तीन फॉर्म होती हैं तीन अवस्थाएं होती हैं ठोस द्रव गैस नहीं ये वो वाला ठोस नहीं है ठीक है हमारे मैथ्स के हिसाब से ठोस होता है क्या ठोस होता है भैया कोई भी ऐसी चीज जो जगह घेरती है जो स्थान घेरती है उसे हम बोलते हैं ठोस ठीक है जैसे कि मैं इस कमरे में खड़ा हूं मैं इस कमरे में कुछ स्थान घेर रहा हूं कुछ जगह घेर रहा हूं वो है क्या तो मैं हूं ठोस ठीक है आप अपने कमरे में बैठे हो आप अपने कमरे में थोड़ी सी जगह घेर रहे हो जो कि मम्मी कहती रहती है कि भैया कमरे में जगह घेर के पड़ा रहता है कब्जा कर रखा है पूरे बेड पे है ना तो वो क्या है आप क्या हो आप हो ठोस ठीक है तो ठोस क्या होता है भैया कोई भी ऐसी चीज जो जगह घेरती है ठीक है अब अगर मैं बात करता हूं आपका ठोस के बारे में ठीक है जैसे कि हमने बात करा कोई भी ऐसी चीज जो जगह घेरती है और ऐसी चीज जिसे उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है वो हमारी ठोस होती है ठीक है कोई भी ऐसी चीज जो जगह घेरती है और जिसे एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है उसे हम ठोस बोलते हैं अब ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्या होता है देखो जैसे कि ये एक ठोस है ये एक बॉटल है ये इस कमरे में क्या कर रही है जगह घेर रही है ठीक है ये इस कमरे में क्या कर रही है जगह घेर रही है जिसका मतलब क्या है कि भाई ये हमारा यहां पर क्या है ये हमारी यहाँ पर एक ठोस है ठीक है तो ठोस का वो भाग जो उसका बाह्यतम भाग होता है जो उसका बाह्यतम भाग होता है उसे हम बोलते हैं ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ठीक है ठीक है उसे हम बोलते हैं ठोस का पृष्ठ ठीक है और उस पृष्ठ का पूरा मान या फिर मैं बोलूं वो पृष्ठ जितना बड़ा होता है उसे हम बोलते हैं उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ठीक है जैसे कि अब ये बोतल का ये वाला भाग जिसे मैं छू पा रहा हूं ये इसका पूरा का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल है ठीक है अब आयतन क्या होता है आयतन होता है आपका कोई ठोस किसी जगह पर जो स्थान घेरती है ठीक है उसे उसका आयतन बोलते हैं जैसे ये बोतल इस कमरे में जितना स्थान घेर रही है वो इसका आयतन होगा या ये जो पानी इस बोतल के अंदर है वो पानी इस बॉटल के अंदर कितना स्थान घेर रहा है उसे उसका क्या बोला जाएगा उसे उसका उस पानी का आयतन बोला जाएगा ठीक है अब आयतन में ही एक चीज और आती है धारिता धारिता क्या होती है धारिता होती है धारण करने की क्षमता मतलब आपका कोई वस्तु अपने अंदर कितनी चीज रख सकती है उसे उसकी धारिता बोलते हैं मतलब कि ये बॉटल अपने अंदर मैक्सिमम जितना पानी रख सकती है उसे उसकी धारिता बोलेंगे ठीक है या फिर यह कमरा अपने अंदर जितने लोग रख सकता है उसे उसकी धारिता बोलेंगे ठीक है तो किसी भी चीज की धारिता क्या होती है कि कोई वस्तु अपने अंदर कितनी चीज को धारण कर सकता है अब हमारे पास अलग अलग ठोस है ठीक है जिनके हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को क्लास नाइन्थ में पढ़ा है एक बार जल्दी से उन्हें रिवाइज कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं ठीक है चलो तो सीधा हम आगे चलते हैं और हमारा देखते हैं क्या एक एक करके सारे ठोसों का क्या हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सूत्र तो घनाभ की अगर मैं बात करूं तो घनाभ क्या होता है अगर आप एक किसे अगर आप एक आयत को एक ऊंचाई दे दो अगर आप एक आयत को एक ऊंचाई दे दो तो आपके पास बनता है घनाब तो घनाब में होती है एक लंबाई एक चौड़ाई और एक ऊंचाई ठीक है और घनाब का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसके जो ये छह आयताकार पृष्ठ होते हैं इन सब का क्षेत्रफल अगर मैं जोड़ दूं तो मेरे पास आता है घनाब का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो अगर घनाब की लंबाई एल घनाभ की लंबाई जो है वो एल हो चौड़ाई जो है वो बी है और ऊंचाई जो है वो एच है तो उस केस में घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे पहले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यह हमारा बराबर होता है किसके दो गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई ये और नाइन्थ में पढ़ाया हुआ चीज है ये पूरा पूरा का पूरा और नाइन्थ में पढ़ा हुआ है इसके बाद आता है इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या लेते हैं केवल चार पृष्ठों का क्षेत्रफल लेते हैं ठीक है आपका अगर घनाभाकार कमरा अगर मैं एग्जांपल लू एक घनाभाकार कमरे का ठीक है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा आपकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल यानी कि चार पृष्ठ तो ये हो गए इसके अलावा एक पृष्ठ हो गया आपका छत और एक पृष्ठ हो गया आपका फर्श तो टोटल कुल मिलाकर छह पृष्ठों का क्षेत्रफल होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आता है केवल चार पृष्ठों का क्षेत्रफल आता है साइड वाले यानी कि अगर मैं कमरे का एग्जाम्पल लू तो केवल चार दीवारों का क्षेत्रफल आएगा आपका पृष्ठ का और आपकी छत का क्षेत्रफल नहीं आएगा तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका क्षेत्रफल आपके इधर वाले पृष्ठ इधर वाले पृष्ठ इस प्रश्न का और इस प्रश्न का क्षेत्रफल तो इनका क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुणा ऊंचाई और इसका क्षेत्रफल क्या होगा चौड़ाई गुणा ऊंचाई ठीक है तो आपका दो गुणा लंबाई गुणा ऊंचाई प्लस दो गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई तो यहां से दो और ऊंचाई कॉमन ले लेंगे तो दो कॉमन आया अंदर बच्चा एल प्लस बी गुणा एच तो ये है आपका क्या पार्श्व क्षेत्रफल किसका एक घनाभ का क्या है भाई ये है आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल एक घनाभ का समझ में आया भाई घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अब घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बाद आता है घनाभ का विकर्ण घनाभ का विकर्ण ये क्या होता है बच्चों ये होता है स्क्वायर रूट के अंदर एल स्क्ट तो ये हो गया आपका घनाभ का विकर्ण तो ये है बच्चों आपके घनाभ से जुड़े हुए सूत्र अगर घनाभ की लंबाई एल चौड़ाई बी और ऊंचाई एच हो ठीक है इसके अलावा घनाभ का आयतन यानी कि घनाभ कितनी जगह घेरता है तो घनाभ का आयतन होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई यह है घनाभ के आयतन का सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई एल इंटू बी इंटू एच तो टोटल ये सूत्र हैं जो कि घनाभ के सूत्र हैं हमारे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का विकर्ण और घनाभ का आयतन इसके बाद आता है घन घन क्या है भाई घन आपका और कुछ नहीं है एक घनाब की अगर सारी भुजाओं को बराबर कर दे तो घन बनता है या फिर मैं बोलूं कि भैया अगर एक घनाब की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को बराबर कर दिया जाए तो आपके पास बनता है घन अब घन का क्षेत्रफल क्या होता है भाई देखो घन की अगर लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई बराबर है एक है। तो इसका सबसे पहले आता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आता है भाई सबसे पहले आता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये कितना होता है ये होता है आपका छह वर्गों का क्षेत्रफल यानी कि छह गुणा भुजा की घात दो यानी कि छह गुणा ए स्क्वायर ठीक है इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है पार्श्व पृष्ठीय के क्षेत्रफल में केवल चार पृष्ठों का क्षेत्रफल आता है यानी कि चार वर्गों का क्षेत्रफल तो एक वर्ग का क्षेत्रफल है ए स्क्वायर चार वर्गों का क्षेत्रफल हो गया चार गुणा भुजा की घात दो ठीक है आपका इसका विकर्ण की लंबाई क्या होती है विकर्ण होता है इसका रूट थ्री गुणा ए ठीक है रूट तीन गुणा ए ठीक है घन का विकर्ण कितना होता है घन का विकर्ण होता है आपका रूट तीन गुणा ए ठीक है रूट तीन गुणा ए जहां पर ए आपकी क्या है घन की भुजा है अब इसके बाद आता है आपके पास घन का आयतन ये होता है आपका क्या घन का आयतन ये बराबर होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई और इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ए है तो ये हो जाता है आपका ए की घात तीन ठीक है यानी कि भुजा की घात तीन तो ये है आपके घन के क्या ये है आपके घन के चार सूत्र ठीक है अब घन के बाद आता है आपका बच्चों लंब व्रत बेलन यानी कि अगर किसी व्रत को ऊंचाई दे दी जाए तो आपके पास बनता है बेलन जिसमें इसके दो वृत्ताकार आधार होते हैं जिनकी दोनों की त्रिज्याएं समान होती हैं जैसे कि यहां पर आर है और यहां पर भी आर है और एक होती है इसकी ऊंचाई जो कि हाँ है यहां पर एच ऊंचाई एच तो अब आप क्या निकालोगे यहां से अब आप निकालोगे यहां पर देखो दो तरीके के पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं ठीक है जैसे ये बॉटल को अगर मैं बेलन का एग्जांपल लू तो यहां पर दो तरीके के पृष्ठीय क्षेत्रफल हैं एक तो ऊपर ये ढक्कन का ये जो प्लेन पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये वाला एक नीचे ये वाला प्लेन पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा ये वक्राकार पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे मैं ऐसे नहीं पकड़ सकता जिसे पकड़ने के लिए मुझे अपनी हाथ को मोड़ना पड़ेगा यानी कि वक्र के आकार में लाना पड़ेगा हल्का सा मोड़ना पड़ेगा जबकि यहां से पकड़ने के लिए मैं इसे सीधा रख सकता हूं ऐसे अपने हाथ को ठीक है तो ये क्या है ये है फ्लैट सरफेस बट इधर वाला जो सरफेस है ये क्या है ये है तुम्हारा कर्व्ड सरफेस यानी कि मुड़ा हुआ सरफेस यानी कि वक्राकार पृष्ठ तो इसके दो पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं एक तो ये वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल और एक होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसमें वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में ये दोनों समतल का क्षेत्रफल भी जुड़ जाता है तो आपका सबसे पहले अगर इसकी आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या, आधार होता है आपका वृत्ताकार तो आधार की त्रिज्या अगर आर है और बेलन की जो ऊंचाई है वो बराबर है आपका एच के तो उस केस में सबसे पहले इसका आता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर होता है आपका कितना वक्र कितना है ये? वक्र क्या है व्रत की परिधि के बराबर यानी कि टू और कितनी ऊंचाई तक है एच ऊंचाई तक तो टू पाईआर एच तो ये हो जाता है आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल टू पाईआर एच ठीक है उसके अलावा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में यानी कि टू पाईआर एच में अगर आप ये दोनों वृत्ताकार आधार जो है जो प्लेन सरफेस है इनका क्षेत्रफल जोड़ दो तो ये कितना होगा पाईआर स्क्वायर और पाईआर स्क्वायर क्योंकि दोनों वृत्तों की त्रिज्या तो समान ही है तो पाईआर स्क्वायर प्लस स्क्वायर हो गया टू स्क्वायर तो अगर यहां से टू पाईआर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना आपका टू पाईआर कॉमन लिया अंदर बचा आर प्लस एच तो चाहे तो ऐसे याद कर लो चाहे ऐसे याद कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है इसके बाद आता है आपका बेलन का आयतन तो देखो किसी भी चीज का जो आयतन निकलता है वो कैसे निकलता है उसके आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई ठीक है यहां पर भी अगर तुम देखोगे तो क्या था आधार का क्षेत्रफल आधार कैसा है आपका एक आयत आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई तो लंबाई पर कितनी आपकी एल चौड़ाई कितनी है बी तो एल गुणा बी गुणा का क्षेत्र का है सेम यहां पर आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई तो आधार कैसा है वर्गाकार वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात दो तो ये हो गया ए स्क्वायर गुणा ऊंचाई करेंगे तो ए स्क्वायर गुणा ए कितना ए की घात तीन ऐसे ही यहां पर भी जो आयतन होगा वो क्या होगा आधार का क्षेत्रफल आधार कैसा है वृत्ताकार व्रत का क्षेत्रफल होता है आयतन तो तो हो अब इसके बाद आता है शंकु तो शंकु का केस क्या होता है शंकु में होता है आपका एक वृत्ताकार आधार ठीक है ये टोपी नुमा या फिर आपने आइसक्रीम का कौन देखा होगा ये शंकु होते हैं ठीक है इसमें नीचे एक वृत्ताकार आधार होता है जिसकी कोई भी त्रिज्या हो सकती है जैसे कि हमने आर ले ली इसमें एक ऊंचाई होती है फिर हमारी जो कि यहां पर एच हो गई और इसमें एक तिरछी ऊंचाई होती है एल ठीक है एक तिरछी ऊंचाई होती है एल तो यहां पर शंकु के लिए आपके पास दो अलग अलग तरीके के आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं शंकु के केस में भी एक तो होता है कौन सा आपका जो ये वक्र वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आप आइसक्रीम के कोन को कभी भी ऐसे फ्लैट नहीं पकड़ सकते आइसक्रीम का कोन पकड़ने के लिए आपको अपने हाथ को मोड़ना पड़ेगा तो वो वाला भाग जिसे पकड़ने के लिए आपको अपने हाथ को मोड़ना पड़ता है वो होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि आपके आइसक्रीम के कोन में देखने को मिल जाएगा ठीक है तो आपके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है आपका पाई आर एल ठीक है और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जब आप इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या करते हो ये जो नीचे वाला वृत्ताकार आधार है इसका क्षेत्रफल जोड़ देते हो तो वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल कितना होगा पाईआर स्क्वायर तो इसे जोड़ दो यहां से पाईआर कॉमन अंदर आ जाएगा अंदर बचेगा आर प्लस एल तो ये हो गया आपका इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अब यहां पर एक सूत्र और आता है वो क्या है वो है शंकु की तिरछी ऊंचाई तो अगर तुम देखोगे तिरछी ऊंचाई जो है ये कैसे बन रही है ये आपका एक समकोण त्रिभुज के आकार के बन रही है यानी कि इसका वर्ग बराबर होगा इसके वर्ग प्लस इसके वर्ग के तो यानी कि आपकी जो शंकु की तिरछी ऊंचाई होती है वो बराबर हो जाती है स्क्वायर रूट के अंदर शंकु की त्रिज्या प्लस शंकु की ऊंचाई शंकु की त्रिज्या का वर्ग प्लस शंकु की ऊंचाई का वर्ग ठीक है ये है आपका क्या ये है आपका तिरछी ऊंचाई का सूत्र ठीक है ये है आपका तिरछी ऊंचाई का सूत्र और फिर यहां से दूसरा सूत्र निकलकर आता है आयतन शंकु का आयतन क्या होता है शंकु का आयतन होता है बेलन के आयतन का एक तिहाई ठीक है मतलब कि अगर आप एक शंकु में पानी भरो ठीक है और उसी ऊंचाई और सेम त्रिज्या का आप एक बेलन लो तो क्या होगा आपका जो शंकु में आपका पानी है वो आप तीन बार उस बेलन में पूरा पूरा खाली कर सकते हो यानी कि बेलन का जो आयतन है वो शंकु के आयतन का तीन गुना होता है ठीक है या फिर मैं बोलूं कि शंकु का आयतन बेलन के आयतन का समान त्रिज्या और समान ऊंचाई वाले बेलन के आयतन का एक तिहाई होता है तो एक बटे तीन पाई स्क्वायर एच बेलन के आयतन का एक तिहाई एक बटे तीन पाईआर स्क्वायर एच अब देखो इसके बाद हमारे पास आता है गोला ठीक है शंकु हो गया अब आता है होते हैं। गोले और व्रत में। तो गोला आपका भैया व्रत आपका ये, जो मेरा कड़ा है या फिर मम्मी की जो आपकी चूड़ियां होती हैं इस आकार का होता है ठीक है तो गोला और व्रत दोनों बिल्कुल अलग अलग, अलग चीजें उनमें प्लीज कंफ्यूज मत होना ठीक है गोले और व्रत में कंफ्यूज मत होना ठीक है समझ में आ गई बात अब आपका जो गोला होता है इसका तो पूरा का पूरा प्रश्न कैसा होता है पूरा का पूरा प्रश्न एक ही जैसा होता है यानी कि पूरा का पूरा प्रश्न वृत्ताकार होता है मतलब सॉरी वक्राकारी होता है ठीक है तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सेम ही होता है ठीक है तो गोले की अगर मैं बात करूं तो अगर गोले में क्या होती है एक त्रिज्या होती है ठीक है तो अगर अगर गोले की त्रिज्या त्रिज्या बराबर है आर के तो इसका प्रष्टीय क्षेत्रफल हो जाता है कितना इसका प्रष्टीय क्षेत्रफल हो जाता है व्रत के क्षेत्रफल का चार गुना फोर पाईआर स्क्वायर ठीक है और इसका आयतन हो जाता है चार बटे तीन पाईआर क्यूब चार बटे तीन पाईआर क्यूब ठीक है अब अगर तुम किसी गोले को ठीक बीच में से काट दो अगर तुम किसी गोले को ठीक बीच में से काट दो तो तुम्हारे पास एक फिगर बनती है मान लो ये तुम्हारा एक गोला आया ठीक है ये तुम्हारा एक गोला था ठीक है ये तुम्हारा एक गोला था मान लो ठीक है और ये जो गोला था ये गोला तुमने लिया ठीक है और आपका एक और बना देते हैं ठीक है तो ये तुम्हारा एक गोला है और तुमने क्या करा इस गोले को बिल्कुल ठीक बीच से काट दिया ठीक है बिल्कुल ठीक बीच से काट दिया तो तुम्हारे पास एक आकृति बचेगी जो कि क्या होगी जो कि होगी खाली एक अर्धव्रत कैसी आकृति एक अर्ध एक अर्ध गोला जिसे हम बोलते हैं कुछ इस तरीके से ठीक है उसमें हमारे दो प्रकार के प्रश्न होंगे पहला तो ये तो पूरा वक्राकार प्रश्न और दूसरा आपका ये जब आप एक बॉल को काटोगे तो उसमें दो प्रश्न बनेंगे एक तो पूरा आधा कटा हुआ बॉल का प्रश्न और दूसरा नीचे एक बनेगा वृत्ताकार पृष्ठ जिसकी त्रिज्या आपके गोले की त्रिज्या के बराबर ही होगी ठीक है तो यहां पर आपके अर्ध गोले के इसे हम बोलते हैं अर्ध गोला और अर्ध गोले के भी बच्चों फिर हमारे पास दो तरीके के पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाते हैं एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर तुम बॉल को बिल्कुल ठीक बीच में से काट दो तो क्या होगा एक तो वक्राकार पार्ट बचेगा ये वाला जो पार्ट है ठीक है तो ये वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा ये गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा यानी कि फोर आर स्क्वायर का आधा टू आर स्क्वायर ठीक है और एक होगा इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जहां पर आप इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में यानी कि टू आर स्क्वायर में इस वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल जोड़ दोगे यानी कि पाईआर स्क्वायर तो टू पाईआर स्क्वायर प्लस पाईआर स्क्वायर हो जाता है थ्री पाईआर स्क्वायर ठीक है फिर आता है इसका आयतन तो जो अर्ध गोले का आयतन होता है वो गोले के आयतन का बिल्कुल आधा हो जाता है ठीक है ठीक तो चार तीन पाई आर का आधा करेंगे, तो दो बटे तीन पा आर क्यूब ये हो जाता है आपका अर्ध गोले का आयतन और इसके साथ बच्चों आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से जुड़े हुए जितने सूत्र थे मैंने सारे करा दिए ठीक है सारे बता दिए अब हमारे पास आता है क्या ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि जब दो ठोसों को आपस में जोड़ा जाता है ठीक है या एक ठोस में से एक ठोस को निकाल लिया जाता है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलता है जैसे कि अब ये ये मान लो एक आपका टैंक है ठीक है ये टैंक कैसे बना हुआ है ये टैंक अगर तुम देखोगे तो कैसे बना हुआ है एक बेलन और एक बेलन के दोनों तरफ दो अर्ध गोले जोड़ने पर बना हुआ है ठीक है तो अगर तुम्हें इस टैंक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालोगे देखो भाई तुमने ये दो गोले जिस साइड से जोड़े जिस साइड से दो अर्ध गोले तुमने जोड़े उस साइड का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा उस साइड का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ढक जाएगा यानी कि इस पार्ट को तो तुम छू नहीं सकते ठीक है सेम इसी तरीके से जो ये ये जिस साइड तुमने बेलन के अर्ध गोले जोड़ोगे तुम्हारे बेलन का उस वाले पृष्ठ का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल ढक जाएगा यानी कि तुम उसे भी काउंट नहीं कर सकते बचा क्या बचा आपका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके अर्ध गोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आप क्या करोगे आप इस पूरे टैंक के पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालने के लिए अपना दोनों अर्धगोलो के पृष्ठीय क्षेत्रफल और दोनों आपके किसके बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ दोगे आपस में जोड़कर तुम्हें पूरे टैंक का पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा ठीक है फॉर एग्जाम्पल मान लो ऐसा हुआ कि मैंने एक फिगर ली इस तरीके से मैंने एक बेलन लिया ठीक है उस ग्लास लिया एक उस ग्लास को पूरा रेत से भर दिया और फिर उस रेत में से मैंने एक कटोरी रेत निकाल लिया जो कि अर्धगोले के आकार का था ठीक है तो अब कितना इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा भाई तो देखो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा पहले तो तुम इस पूरे ग्लास को छू सकते हो इसका वृत्ताकार आधार भी छू सकते हो तो यानी कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इसके आधार का क्षेत्रफल और दूसरा अब तुम इसके अंदर का जो ये वाला पार्ट है जो रेत का ये वाला पार्ट है इसे भी तो छू सकते हो तो ये भी क्या है ये भी पृष्ठीय क्षेत्रफल में आधारित काम आएगा ऊपर वाला तो खाली हो गया क्योंकि ग्लास है तो ऊपर से तो खोखला है लेकिन ये जो तुमने निकाला है अर्ध गोला निकाला है है ठीक इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को भी तुम छू सकते हो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा तुम्हारा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और तुम्हारा जो वृत्ताकार आधार है इसका क्षेत्रफल अगर तुम इन सबको जोड़ दोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा कितना आपके इस पूरी आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल अब इसी तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं ताकि क्वेश्चन से हमारी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है देखो भाई ये तो बेसिक ही क्वेश्चन है कह रहा है एक घन चीज़ा तो का पृष्ठीय क्षेत्रफल छियानवे सेंटीमीटर स्क्वायर है इसकी भुजा होगी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है छह गुणा भूजा की घात दो ये दे रखा है छियानवे सेंटीमीटर स्क्वायर छ इधर भाग में चला जाएगा ए स्क्वायर बराबर आ गया छियानवे बटे छ छह से भाग करेंगे च्छे कम च्छे, ठीक है और कितना बचा आपका तीन छत्तीस सोलह हो गया स्क्वायर रूट सोलह तो ए का मान निकल कर आ गया चार सेंटीमीटर ये ये लो भाई तो बहुत इजी था इसमें तो क्या करना है आंसर हमारे सामने चार सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट ठीक है आगे बढ़ते हैं अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन देखते हैं जैसे कि ये तो इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि आपका एक राशिद को जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया था तो राशिद ने अपने मोमिया रंगों से उस पर रोक रंग करना चाहा यह लट्टू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला रखा है मतलब नीचे एक शंकु है उसके ऊपर अर्धगोला रखा है ठीक है लट्टू की पूरी ऊंचाई पांच सेंटीमीटर है ठीक है और इसका व्यास तीन सेंटीमीटर है तो देखो भाई लट्टू की पूरी ऊंचाई पांच सेंटीमीटर है और इसका व्यास जो है वो तीन सेंटीमीटर है यानी कि इस व्रत की त्रिज्या कितनी हो गई इस व्रत की त्रिज्या से हो गई तीन दशमलव पांच बटे दो ठीक है तो यानी कि अगर तुम्हें लट्टू की ऊंचाई चाहिए तो वो कितनी हो जाएगी वो हो जाएगी इस पूरे पांच सेंटीमीटर में से इस अर्ध गोले की त्रिज्या घटा दो यानी कि पांच माइनस तीन दशमलव पांच बटे दो बोले तो हमारा कितना आ गया ये आ गया हमारा छह दशमलव पांच बटे दो एलसीएम लेंगे पादोनी दस माइनस तीन दशमलव पांच कितना हो गया आपका आ, दस माइनस तीन सेंटीमीटर आपकी क्या बेलन की ऊंचाई ठीक है बेलन की ऊंचाई आ गई अब आपको निकालना है कि कितने क्षेत्रफल पे आपका रंग किया जा सकता है तो अगर आप देखोगे तो जब मान लो आपका लट्टू को ऐसे रखा गया शंकु के ऊपर तो लट्टू का जो वृत्ताकार पृष्ठ था वो शंकु के वृत्ताकार पृष्ठ के ऊपर रखा गया तो लट्टू का वृत्ताकार पृष्ठ और शंकु का वृत्ताकार पृष्ठ तो ढक गया तो उनका तो कुछ बचा नहीं वो तो दोनों एक दूसरे से ढक गए पूरी तरीके से बचा क्या शंकु का वक्र वक्रप्रष्टीय क्षेत्रफल और अर्ध गोले का वक्र वक्रप्रष्टीय क्षेत्रफल ये निकाल दो तो, बस बात खत्म शंकु का वक्र वक्रप्रष्टीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल आपके पास एल नहीं है तो पहले एल निकालेंगे एल बराबर होता है स्क्वायर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ठीक है आर स्क्वायर आपका कितना है आर है आपका कितना त्रिज्या का आधा तीन दशमलव पांच बटे दो व्यास है आपकी कितनी त्रिज्या का आधा सॉरी व्यास का आधा आपका क्या हो जाएगा त्रिज्या और एच का है छह दशमलव पांच बटे दो का स्क्वायर इसे हल करेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर आ गया आपका तीन दशमलव पांच का स्क्वायर करेंगे तो पैंतीस का स्क्वायर कर लो जल्दी से पांच पंज पच्चीस का पांच हासिल को गया दो पांच तेन पंद्रह और दो सत्रह तीन पंचे पंद्रह का पांच हासिल को गया एक तीन तीन और एक दस तो पांच सात पांच बारह का दो हासिल को गया एक एक और एक दो और एक तो हमारे पास कितना आ गया बारह दशमलव दो पांच बटे में चार प्लस पैंसठ का वर्ग करेंगे छह दशमलव पांच तो कितना हो जाएगा छ दशमलव पांच गुणा छह दशमलव पांच ही हो जाएगा पांच पंजे पच्चीस का पांच हासिल क्यों गया दो पांच तीस और दो बत्तीस ठीक है छह तीस का जीरो हासिल को गया तीन, और तीन पांच दो, का दो हासिल को गया तो दशमलव दो पांच बटे में चार दो का वर्ग चार एलसीएम लोगे चार आ गया ऊपर आ गया कितना बयालीस दशमलव दो पांच और बारह दशमलव दो पांच इन्हें आपस में जोड़ेंगे चार को स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लो एक बटे दो आ गया स्क्वायर रूट के अंदर कितना बचा बचा स्क्वायर रूट के अंदर आपका पांच, पांच पांच जीरो का दो हासिल को गया पांच, पांच पांच दस का जीरो हासिल को गया एक दो और दो चार और एक पांच दशमलव इधर हो जाएगा दो और दो चार और इधर हो गया चार और एक पांच तो हमारे पास आ गया चौवन दशमलव पांच ठीक है चौवन दशमलव पांच को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई ये आ जाएगा आपका अगर हम निकालें इसे तो हमारे पास आ गया सात दशमलव तीन आठ और अगर इसे हम दो से भाग करें तो यह आ गया तीन दशमलव छः नौ ठीक है तो आपके पास एल का मान निकल कर आ रहा है तीन दशमलव छः ठीक है इतना सबको समझ में आया देख लो भाई एक बार जल्दी से देखो देख लो भाई आ गया सबको समझ में ये ठीक है तो इसने हमें जितना बोला था हमने उतना कर दिया अब आगे देखो आगे हम क्या करेंगे हमारे पास एल का मान निकल के आ गया भाई हमारे पास एल का मान निकल के आ गया है तीन दशमलव छह नौ ठीक है आप चौवन दशमलव पांच को बाहर निकालोगे और दो से भाग करोगे तो ये हो जाएगा आपका तीन दशमलव छह नौ ठीक है सात दशमलव कुछ आएगा और उसे दो से भाग करेंगे तीन दशमलव छ नौ सेंटीमीटर आ, आ गया आपका एल का मान अब ये एल का मान आ गया तो आप क्या करोगे आपका रंग किए जाने वाला क्षेत्रफल तो ये होगा आपका क्या किए जाने जाने वाला क्षेत्रफल ये ये कितना हो भाई? ये हो कितना होगा होगा भाई आपका स्क्वायर रूट अपना अर्थ गोले का वक्र वक्रप्रश् क्षेत्रफल यानी कि टू पाई आर स्क्वायर तो दो गुणा पाई का मान ये रहने देते हैं आर स्क्वायर यानी कि आपका तीन दशमलव पांच बटे दो का स्क्वायर प्लस आपका पाईआर एल यानी कि पाई गुणा आर का मान हो गया कितना तीन दशमलव पांच बटे दो गुणा एल यानी कि तीन दशमलव छह नौ ठीक है बस इसे हल करके यहां से अपना फाइनल आंसर निकाल लो ठीक है मान रख ही लेते हैं पाई का तो दो गुणा पाई का मान रखेंगे बाईस बटे सात गुणा तीन दशमलव पांच गुणा तीन दशमलव पांच बटे में दो गुणा दो ठीक है इसका स्क्वायर खोल दिया ठीक है प्लस यहां पर पाई का मान रखेंगे बाईस बटे सात गुणा तीन दशमलव पांच गुणा दो बट पूरा लिख दिया अभी सोल्व करते हैं जल्दी से कितना आएगा भाई सात पंजे पैतीस दो एक दो दो एक दो दो एक दो ग्यारह तो ग्यारह की गुणा जीरो दशमलव पांच में करेंगे तो कितना होगा ये हो जाएगा पांच दशमलव पांच गुणा तीन दशमलव पांच प्लस इधर देखते हैं इसकी गुणा करेंगे ये हो जाएगा हमारा कितना जीरो दशमलव पांच ग्यारह एकम ग्यारह ग्यारह दूनी बाईस ठीक है तो हमारे पास आ गया कितना पांच दशमलव पांच गुणा तीन दशमलव नौ यहां से दिख रहा है पांच दशमलव पांच कॉमन आ रहा है पांच दशमलव पांच कॉमन ले लो अंदर बचेगा तीन दशमलव पांच प्लस तीन दशमलव छ नौ हो जाएगा पांच दशमलव पांच गुणा जोड़ेंगे तो जीरो और नौ आ गया नौ छह पांच ग्यारह का एक हासिल को गया एक तीन तीन और एक सात तो सात दशमलव एक नौ पचपन पांच दशमलव पांच की गुना सात दशमलव एक नौ में कर लो कितना ये हो गया आपका पांच निम्न पैतालीस का पांच हासिल हो गया चार पांच एक नौ पांच सत्ते पैतीस पांच निम्न पैतालीस का पांच हासिल को गया चार पांच एकम पांच चार नौ और पांच सत्ते पैतीस चलो पांच चौदह का चार हासिल हो गया एक चौदह और एक पंद्रह का पांच हासिल हो गया एक पांच तीन आठ और एक नौ और तीन ठीक है और कितने अंकों के बाद एक एक दो तीन तीन अंकों के बाद तो उनतालीस दशमलव पांच चार पांच सेंटीमीटर स्क्वायर आपका वो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा या फिर वो क्षेत्रफल होगा जिस पर राशिद को रंग करना है क्लियर हो गई बात समझ में आ गया सबको चलो जी आगे बढ़े अब आगे बढ़े सवाल देखें आगे का हमसे क्या कह रहा है चलो अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है अगला सवाल हमसे कहता है दर्शाया गया है कि सजावट के लिए प्रयोग होने वाला एक ब्लॉक दो ठोसों से मिलकर बना है जिसमें एक घन है और दूसरा अर्धगोला है इस ब्लॉक का आधार पांच सेंटीमीटर कोर या किनारे वाले घन और उसके ऊपर लगे अर्ध गोले का व्यास चार दशमलव दो सेंटीमीटर है ठीक है इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो अब देखो इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा कोई दिमाग लगाएगा जब मान लो मेरा यह हाथ है यह हाथ मेरा एक आयत है समझ के देखो जस्ट फॉर एग्जाम्पल एक आयत है इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुणा चौड़ाई पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई अगर मैं इसे छूता हूं तो ये हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई लेकिन अब अगर मैं इस हाथ के ऊपर ये रख देता हूं हिस्सा मेरे हाथ का वो हिस्सा जिस पे ये बोटल रखी है उसे नहीं छू सकते हो, तुम केवल ये साइड का हिस्सा छू सकते हो तो अब अगर तुम्हें इसका क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालोगे आपका पूरे आयत का क्षेत्रफल इस बॉटल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर वाला क्षेत्रफल और आपके हाथ के इस प्रष्टीय क्षेत्रफल में से ये जो गोला है ठीक है ये जो आपका तला है जिसके ऊपर ये रखा है क्योंकि आप देखो इसे तो आप टच कर नहीं सकते इसके नीचे वाले इस तले के नीचे वाले पार्ट को आप टच नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर यह आ गया ठीक है तो यानी कि यह पृष्ठीय क्षेत्रफल में से घट जाएगा और यहां पर यह सेम चीज हो रही है ये जो आपका घनाब का या घन का ये जो ऊपर वाला पृष्ठ है ठीक है इस पे आपने एक अर्ध गोला रख दिया है तो ये जो अर्धगोले का ये वाला पार्ट है ये तो भाई अर्धगोले का जो ये नीचे वृत्ताकार आधार है इसने कुछ भाग होगा किसका आपके किसका आपके घन के इस पृष्ठ का जिसे ढक लिया होगा यानी कि वो पृष्ठीय क्षेत्रफल में से माइनस हो जाएगा तो आपके पास बचेगा क्या घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ठीक है मैं डायरेक्ट आंसर निकालता हूं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि छह गुणा भुजा की घात दो माइनस उसमें से आप क्या करोगे क्या माइनस करोगे ये जो वृत्ताकार आधार जिसे तुमने घन के ऊपर रखा है ना ये आपका थोड़े से भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल ढक लेगा ठीक है जिसे आप छू नहीं पाओगे ठीक है तो यानी कि वो वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस होगा यानी कि ये क्या है वृत्ताकार आधार यानी कि पाई आर स्क्वायर और फिर उसके बाद आपका इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि कितना है पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसका कितना भाई देख लो ना अर्धगोला अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है टू पाई आर टू पाईआर स्क्वायर ठीक है बस देखो भाई टू पाई आर स्क्वायर माइनस पाईआर स्क्वायर कितना हो गया छह गुणा ए स्क्वायर टू पाईआर स्क्वायर माइनस पाईआर स्क्वायर हो गया आपका पाईआर स्क्वायर अब यहां पर मान रखो तो घन की को और दे रखी है पांच सेंटीमीटर तो छुना पांच का स्क्वायर प्लस पाई का मान हो गया कुछ भी रख सकते हैं जब तक बाईस बटे सात नहीं दिया है स्क्वायर तो व्यास दिया हुआ है, चार दशमलव दो सेंटीमीटर त्रिज्या कितनी हो जाएगी चार दशमलव दो बटे दो का स्क्वायर ठीक है तो ये हो जाएगा छ गुणा पच्चीस पच्चीस चौका सौ और पच्चीस छिका डेढ़ सौ प्लस ये हो गया बाईस बटे सात गुणा चार दशमलव दो बटे दो गुणा चार दशमलव दो बटे दो तो यहां पर क्या होगा हमारा सात साक्षिंग बयालीस जीरो दशमलव छह गुणा ग्यारह दूनी बाईस दो दशमलव एक ग्यारह के गुणा छह दशमलव जीरो दशमलव छह में करेंगे तो ये कितना हो गया ये हो गया आपका छह दशमलव छह गुणा दो दशमलव एक ठीक है तो आपके पास कितना आएगा ये हो जाएगा आपका डेढ़ सौ प्लस छियासठ एकम छियासठ का छ हासिल को गया छह छियासठ दूनी एक सौ बत्तीस और छह हो गया एक सौ अड़तीस तो ये आ गया आपका दो अंकों के बाद तेरह दशमलव छह इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल कर आ गया आपके पास इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एक दशमलव सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा किसका आपके सजावट के लिए रखे एक बॉक्स का जिसका प्रयोग दो ठोसों को मिलाकर हुआ है जो कि कौन कौन से है आपके जो कि हैं आपके भैया सिंपल से कैसे आपके कैसे हैं भाई आपके पांच सेंटीमीटर के घनाभ और चार दशमलव दो सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्ध गोले को ऊपर रख के बनाया गया है क्लियर हो गई बात समझ में आ गया चलो जी अब आगे बढ़ जाएं। देखो भैया अब अगला सवाल देखते हैं थोड़ा सा क्या कह रहा है अगला सवाल हम करते हैं ठोसों के संयोजन के आयतन से ठोसों के संयोजन के आयतन में क्या होगा भाई देखो अब मान लो आपका ठोसों के संयोजन का आयतन अब मान लो भाई आपकी दो फिगर है ठीक है उन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया ठीक है तो उनका आयतन आप आराम से निकाल सकते हो ठीक है क्वेश्चन करते हैं ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा ठीक है ठोसों के संयोजन के आयतन पर आधारित जैसे कि अब यह कह रहा है कि किसी एक टीन शेड में आपका यह शेड एक घनाब के आकार का है ठीक है और इसके ऊपर एक अर्ध बेलन अध्यारोपित है आधा बेलन रखा हुआ है अर्ध बेलन अध्यारोपित है यदि इस शेड के आधार की सात मीटर पंद्रह मीटर तथा आपकी सात मीटर ये हो गई पंद्रह मीटर और घनाबाकार भाग की ऊंचाई आठ मीटर है ठीक है आगे क्या कह रहा है तो शेड में समावेश हो सकने वाली हवा का आयतन ज्ञात करो तो आपको पूरे शेड में आने वाली हवा का आयतन बताना है कि पूरे शेड में कितनी हवा आ सकती है ठीक है इसके अलावा पुनः यदि मान ले कि शेड में रखी मशीनरी 300 मीटर क्यूब स्थान घेरती है तथा तो शेड के अंदर 20 श्रमिक हैं ठीक है जिनमें से 0.8 08 मीटर क्यूब के औसत से स्थान घेरते हैं तब शेड में कितनी हवा होगी तो जो आपकी टोटल शेड में हवा आएगी उसमें से आप क्या करोगे माइनस कर दोगे मशीनरी का आयतन और आपके एक व्यक्ति का आयतन है जीरो दशमलव आठ तो बीस व्यक्तियों का आयतन जितना आएगा उसे माइनस करके आप क्या बोल दोगे आप बोल दोगे कि भैया आपका इतनी हवा अभी भी इस शेड में है तो पहले निकालते हैं हवा में शेड में, में कुल हवा तो भैया देखो तुम्हारा जो शेड है वो किससे मिलकर बना है एक अर्ध बेलन और एक घनाब से तो शेड का जो आयतन हो जाएगा टोटल शेड का जो आयतन हो जाएगा वो किसके बराबर होगा वो किसके बराबर होगा हवा जो होगी इसके अंदर वो शेड के आकार की हो जाएगी क्योंकि हवा तो जिस चीज के अंदर जाएगी वो उसका आकार ले लेती है तो वो तो शेड के आकार की हो जाएगी ठीक है तो यानी कि आपको शेड का ही आयतन निकालना है और शेड किससे से मिलकर बनाए आपके एक और एक अर्धवेलन से तो घनाब का आयतन प्लस अर्धवेलन का आयतन क्वेश्चन खत्म घनाब का आयतन कितना हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई मैं लिख देता हूं यहां पर घनाब का आयतन प्लस अर्ध बेलन का आयतन यानी कि बेलन के आयतन का आधा का आयतन दोनों को जोड़ दो उठाकर तो घनाभ का आयतन हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई लंबाई है सात मीटर लंबाई है पंद्रह मीटर चौड़ाई है सात मीटर ऊंचाई है आठ मीटर प्लस अर्ध बेलन का आयतन यानी कि बेलन के आयतन का आधा तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच तो एक बटे दो पाई बाई, बाईस बटे सात आर स्क्वायर अब बेलन की त्रिज्या कितनी है देखो बेलन की त्रिज्या है ये ये है आपके पूरे बेलन का व्यास तो बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेलन की त्रिज्या हो जाएगी आपका व्यास का आधा यानी कि सात बटे तो ये हो जाएगा सात बटे का स्क्वायर और गुणा एच एच का मान कितना है बेलन की ऊंचाई होगी आपकी ये वाली ठीक है जो कि है पंद्रह मीटर ठीक है बस अब इसे हल करके मान निकाल लो जो भी आपका आंसर आएगा ठीक है पंद्रह तीस पंद्रह पंद्रह चौका साठ पंद्रह पंजे पचहत्तर पंद्रह छक्का नब्बे पंद्रह सत्तर एक सौ पांच पंद्रह अठे एक सौ बीस एक सौ बीस गुणा सात तो बारह छिंग बहत्तर बारह सत्ते चौरासी ठीक है एक सौ बीस गुणा सात आ गया आपका आठ सौ चालीस प्लस इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा देखो भाई कितना ग्यारह तो ग्यारह बटे सात यह आ गया हमारा ग्यारह बटे सात गुणा सात का वर्ग हो गया उड़नचस बटे में चार गुणा पंद्रह सात एगम सात सात एकम सात सात है तो हमारे पास कितना आ गया पंदरा एकम पंदरा इसे हल करो 840 प्लस की गुणा करेंगे हम किस में? हमारा में तो पंदरा एकम पंदरा का पांच हासिल को गया कितना आपका एक पंद्रह एकम पंद्रह और एक सोलह एक सौ पैंसठ गुणा सात करेंगे बटे में हमारे पास चार तो अपने पास आ जाएगा कितना आठ सौ चालीस प्लस आपका या तो चार से भाग कर लो इसे पहले चार चौक सोलह चार एकम चार दशमलव एक बचा चार दुनी आठ चार पंजे बीस तो इकतालीस दशमलव दो पांच इसमें सात से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा सात पंजे पैतीस का पांच हासिल को गया तीन सात दुनी चौदह और तीन सत्रह का सात हासिल को गया एक ठीक है सात एकम सात और एक आठ ठीक है और सात चौक अट्ठाईस कितने अंकों के बाद दो अंकों के बाद दशमलव तो दो दशमलव सात पांच इतने इतने मीटर क्यूब आपका उस अर्ध बेलन का आयतन होगा ठीक है सारी चीजें मीटर में दे रखी थी तो हमारे लिए चीजें आसान हो गई ठीक तो अब हम क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका पांच सात आठ और जीरो आ गया आठ आठ चार बारह का दो हासिल को गया एक आठ और दो दस और एक ग्यारह तो इतने मीटर क्यूब जो है ग्यारह सो अट्ठाइस मीटर क्यूब आपका हवा जो है वो इस शेड में होगी ठीक है अब बीस श्रमिक और आपका तीन सौ मशीनरी मतलब तीन सौ मीटर क्यूब मशीनरी का स्थान लेने के बाद शेड में कितनी हवा बचेगी भाई तो शेड में बची हवा कितनी होगी भाई आपका टोटल हवा में से आपकी मशीनरी ने जो स्थान घेर रखा है यानी कि मशीनरी का जो आयतन है वो और 20 श्रमिकों का जो आयतन है वो तो एक श्रमिक का आयतन है 0.08 मीटर क्यूब 20 श्रमिकों का आयतन कितना हो जाएगा 20 गुना जीरो दशमलव जीरो आठ ठीक है इतने इसे हल करते हैं इसमें से 300 को माइनस करेंगे तो देखो भैया आपका पांच सात दशमलव आठ में से जीरो गया आठ ही आ गया दो में से जीरो गया दो ही आ गया ग्यारह में से तीन गया तो कितना बचा आपका आठ तो ये आ गया आठ सौ अट्ठाईस दशमलव सात पांच माइनस बीस की गुणा करेंगे दशमलव जीरो की गुणा हुई दशमलव एक अंक की आठ दूनी सोलह तो एक अंक के बाद एक दशमलव छह तो ये हो जाएगा आपका कितना माइनस करेंगे तो देखो भाई कितना आ गया पांच तो ऐसे ही आ गया तो ऐसे ही आ गया सात में से छह गया एक बचा दशमलव आठ में से एक गया कितना आठ में से एक गया सात बचा दो आठ तो आठ सौ सत्ताईस दशमलव एक पांच मीटर क्यूब आपका क्या हो गया आपका इस शेड में बचे हवा का आयतन होगा अगर आप क्या कर दो उस शेड में एक क्या लगा दो भैया आपकी तीन सौ मीटर क्यूब की क्या लगा दो मशीनरी लगा दो और बीस श्रमिक लगा दो जो कि जीरो दशमलव जीरो आठ मीटर क्यूब स्थान लेते हैं तो जल्दी से बताओ क्लियर हो गया ये सबको जल्दी से बताओ भाई क्लियर हो गया सबको समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन किसी भी बच्चे को यहां पे कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे आगे बढ़े हम अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है हमारा तो ये है तुम्हारे ठोसों के संयोजन का आयतन ठीक है ये है तुम्हारे ठोसों के संयोजन का आयतन क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताओ मुझे चलो जी तो पूरा क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया हमें इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं था ठीक है चलो अब आगे चलते हैं अगला पार्ट देखते हैं हमारा क्या कह रहा है ठीक है आ जाओ भाई अगला पार्ट देखो क्या कह रहा है अगला पार्ट हमसे कहता है कि एक ठोस एक अर्ध गोले पर खड़ा है एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं एक सेंटीमीटर हैं तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करो मतलब देखो ये कह रहा है कि एक ठोस कुछ इस तरीके का है कि हमारे पास एक शंकु है ठीक है और उसके ऊपर एक अर्धगोला खड़ा हुआ है ठीक है और आपका इनकी जो त्रिज्याएं हैं वो एक सेंटीमीटर की है और बोला गया है कि जो इसकी ऊंचाई है शंकु की जो ऊंचाई है वो इसकी त्रिज्या के बराबर है, कि वो भी सेंटीमीटर है। है? तो आयतन, तो आयतन, 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 आयतन कितना होगा भाई शंकु का आयतन होगा एक बटे तीन पाई आर स्क्वायर एच अब यहां तो एच का मान भी एक है आर का मान भी एक है प्लस आपके अर्धगोले का आयतन कितना होगा दो बटे तीन पाई आर क्यूब ठीक है दो बटे तीन पाई आर क्यूब हल करो एक बटे तीन पाई आर का मान है एक का स्क्वायर गुणा एच प्लस दो बटे तीन पाई दोनों की त्रिज्या सेम ही है और यहां पर एच का मान भी एक है क्योंकि उसने बोला है कि शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है तो कितना आ गया ये आ गया एक का स्क्वायर एक गुणा एक, एक ही होगा एक बटे तीन गुणा एक एक बटे तीन तो ये आ गया पाई बटे तीन प्लस इधर हो गया पाई गुणा एक पाई दो बटे तीन पाई एलसीएम लेंगे एलसीएम आ गया तीन ऊपर आ गया पाई प्लस दो पाई कितना आपका तीन पाई बटे में तीन तीन से तीन कट गया आंसर आ गया पाई सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका क्या होगा ये आपका आयतन हो जाएगा पाई सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आयतन हमेशा क्यूब में होता है आयतन हमेशा क्यूब में होता है तो पाई सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा आपका आयतन हो जाएगा इस दिए गए चित्र का ठीक है चलो जी अब देखो अब जो टॉपिक आता है वो है ठोसों का रूपांतरण ठीक है ठोसों का रूपांतरण अब के रूपांतरण में क्या होता है ठोसों के रूपांतरण में आपका एक ठोस को जब दूसरे ठोस के रूप में बदला जाता है तो वहां पर एक चीज देखी जाती है और वो क्या कि उसका आयतन हमेशा समान रहता है कभी भी किसी ठोस का आयतन नहीं बदलेगा जब तुम उसे एक ठोस से दूसरे ठोस में रूपांतरित करोगे ठीक है तो अगर मैं एक क्वेश्चन देखूं जैसे बोल रहा है कि एक मॉडल बनाने वाली मिट्टी से 24 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया और उसके बाद बच्चे ने इसे बदलकर एक गोला बना दिया तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करो तो यहां पर क्या होगा दोनों का आयतन सेम रहेगा मतलब अगर गोले की त्रिज्या आर सेंटीमीटर है और शंकु की त्रिज्या कैपिटल आर है ठीक है तो शंकु का आयतन हो जाएगा तुम्हारा कितना शंकु का आयतन होता है एक बटे तीन पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच बराबर होगा गोले के आयतन के यानी कि चार बटे तीन पाई आर क्यूब के मतलब जब आप एक चीज को दूसरे चीज में बदलते हो पिघलाकर तो उसका आयतन नहीं बदलता है याद रखना उसका आयतन समान रहता है अगर तुम्हें यह चीज याद रहेगी तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा देखो भाई क्या होगा यहां पर तुम्हारा एक बटे तीन पहले तो देखो क्या होगा एक बटे तीन से एक बटे तीन कट गया पाई से पाई कट गया बचा कितना आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर तो शंकु की त्रिज्या कितनी है भाई शंकु की त्रिज्या बोली हुई है छह सेंटीमीटर है तो छह का स्क्वायर गुणा ऊंचाई कितनी है चौबीस सेंटीमीटर तो चौबिस बराबर यहां पर बचा आपका कितना चार गुना आर की क्यूब क्योंकि आपको तो आर का मान निकालना ही है गोले की त्रिज्या है स्मॉल आर चार इधर भाग में चला जाएगा तो आपके पास आ गया आर क्यूब बराबर छ स्क्वायर गुना चौबिस बटे चार चार चौबिस आपके पास आ गया छक्वायर गुना छह यानी कि आपके पास आ गया आर क्यूब बराबर छ क्यूब के क्यूब से क्यूब हट गया आर बराबर आ गया सेंटीमीटर लो ये हो गई तुम्हारे गोले की त्रिज्या जो गोला उस बच्चे ने बनाया ठीक है मिनट से पहले सॉल्व हो गया तो एक ठोस को जब एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरित करोगे तो उसका क्षेत्रफल बराबर रहेगा ठीक है देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है एक एक सेंटीमीटर और आठ सेंटीमीटर तांबे की लंबी की छड़ लंबी छड़ को अठारह मीटर लंबे तार के रूप में खींचा गया ठीक है तो तार की मोटाई ज्ञात करो अब देखो जो तांबे की छड़ है वो भी बेलनाकार होगी और जो आपका तार है वो भी बेलनाकार होगा ठीक है बट अब वो दे रखा है मीटर में ये दे रखे हैं सेंटीमीटर में तो या तो इन दोनों को सेंटीमीटर में बदलो सेंटीमीटर से मीटर में बदलो या उसे सेंटीमीटर में बदलो एक मीटर बराबर कितना होता है भैया एक मीटर बराबर सौ सेंटीमीटर ठीक है एक मीटर बराबर सौ सेंटीमीटर तो अट्ठारह मीटर बराबर अट्ठारह सेंटीमीटर सीधी सी बात है तो आपके पास आएगा कितना आपके पास आएगा या तो इसे मीटर में बदल लेते हैं पूरे सवाल को या सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में बदल लेते हैं तो अट्ठारह सेंटीमीटर ठीक है तो हम बोलते हैं कि भैया आपके इस बेलन का आयतन जो कि क्या होगा पाई आर वन स्क्वायर एच वन बराबर हो जाएगा इस बेलन के आयतन के जो कि हो गया पाई आर टू स्क्वायर एच टू। तो जो तार की मोटाई होगी वो किसके बराबर होगी तार की जो मोटाई होगी वो उसके व्यास के बराबर होगी तो हमें त्रिज्या निकालनी पड़ेगी लंबाई तो, तो तुम्हें पता है लंबाई क्या हो जाएगी लंबाई तुम्हारी तार की ऊंचाई का काम करेगी लंबाई क्या हो जाएगी इस तार की ऊंचाई का काम करेगी तो भैया देखो तुम्हारे पास क्या है पाई से तो पाई कट गया सबसे पहला तुम्हारा पाई से पाई कट गया आर वन स्क्वायर का मान कितना है भैया आपका व्यास दे रखा है एक तो त्रिज्या हो जाएगी एक बटे दो का स्क्वायर गुणा एच वन आठ सेंटीमीटर लंबा है तो आठ स्क्वायर पता नहीं निकालना है आर टू स्क्वायर गुणा एच टू हो जाएगा आपका 1800 सो ठीक है तो ये हो जाएगा आपका कितना एक बटे चार गुणा आठ आर टू स्क्वायर गुना अट्ठारह सो आथारा सो इधर भाग में आ जाएगा तो आर टू स्क्वायर बराबर आ गया चार दूनी आठ के तो ये इधर भाग में आएगा तो ये हो जाएगा दो बटे अट्ठारह सो यानी कि आपका दो बटे नौ एक बटे नौ सो आर टू स्क्वायर बराबर आ गया एक बटे नौ के या फिर हम लिख सकते हैं इसे कितना तीस का स्क्वायर तो आर टू बराबर हो गया स्क्वायर रूट के अंदर एक बटे नौ या फिर हम इसे लिख सकते हैं एक बटे तीस ठीक है आर टू का मान आ गया एक बटे तीस सेंटीमीटर ठीक है तो भैया त्रिज्या कितनी हो जाएगी त्रिज्या इतनी आ गई तो व्यास कितना हो जाएगा यानी कि मोटाई मोटाई हो गई त्रिज्या का दो गुना यानी कि दो गुना एक बटे तीस बोले तो एक बटे पंद्रह ठीक है जिसे मैं हल करता हूं तो क्या आएगा हमने दशमलव लगाया जीरो दशमलव जीरो बढ़ाया तो हमारे पास कितना आया भाई तब भी हमारा काम नहीं चला हमने एक और जीरो बढ़ाया जीरो लगाकर जीरो बढ़ाया तो हमारे पास आ जाएगा पंद्रह छिक्का नब्बे ठीक है तो ये आ गया आपका पंद्रह छिक्का नब्बे फिर से दस आएगा फिर आप जीरो बढ़ाओगे पंद्रह छिक्का नब्बे सो ऑन so तो आपके पास कितना आ गया? आपके पास आ गया आपका जीरो दशमलव जीरो छ सात सेंटीमीटर ये आपकी क्या हो जाएगी तार की मोटाई हो जाएगी जो कि एक सेंटीमीटर व्यास वाले और आठ सेंटीमीटर लंबे तार को पिघलाने पर बना है ठीक है बताओ भाई जल्दी से सबको समझ में आया समझ में आया भाई क्लियर हो गया समझ में आ गया सबको किसी को भी यहां पे कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे फिर अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं चलो जी यहां पर किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ हमें क्या दे रखा था हमें बोला था कि एक सेंटीमीटर व्यास है, है। पाई आर टू गुणा एच टू एच टू आपकी हो गई अट्ठारह मीटर थी तो अट्ठारह मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा तो अट्ठारह सो सेंटीमीटर हो गई है ठीक है अब एक बटे दो का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक बटे चार गुणा आठ बराबर आर टू स्क्वायर गुणा अट्ठारह सो ठीक है अब क्या होगा चार से काटेंगे चार एकम चार चार दूनी आठ ये अठारह सो इधर भाग में आ जाएगा दो से भाग करेंगे दो निम अट्ठारह एक बटे नौ सो एक बटे नौ सो को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे कितना आएगा आपका ये मान आ जाएगा कितना एक बटे तीस ठीक है क्योंकि तीस का वर्ग होता है ना नौ सो तीन तिया नौ नौ सो आ गया ठीक है तो आपका आर टू का मान आ गया एक बटे तीस अगर आर टू है एक बटे तीस यानी कि त्रिज्या आई है एक बटे तीस तो उसकी मोटाई कितनी हो जाएगी त्रिज्या का दो गुना यानी कि आपका मोटाई हो गई दो गुना आर टू यानी कि दो गुना एक बटे तीस जो कि आ गई जीरो दशमलव जीरो छह 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 यानी कि जीरो दशमलव छह सात ठीक है यहां तक सबको क्लियर हो गया जल्दी से बताओ मुझे एक बार जरा किसी को कोई दिक्कत है इसमें ठीक है भाई तो ये क्वेश्चन हमारे यहां पर खत्म हो गया अगला सवाल देख लें क्या कह रहा है जल्दी से देखो भाई अगला सवाल हमसे कहता है कि त्रिज्या चार दशमलव दो सेंटीमीटर वाले एक धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या छह सेंटीमीटर वाला एक बेलन रूप में ढाला जाता है बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो तो देखो भाई गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन कर दो गोले का आयतन कितना होगा चार बटे तीन पाई आर क्यूब आर का मान है चार दो की बराबर बेलन का आयतन होगा एक सॉरी पाई आर एच, तो पाई बेलन रूप में डाला जाता है ठीक है छह सेंटीमीटर पिघलाकर त्रिज्या त्रिजा सेंटीमीटर वाले बेलन रूप में डाला जाता है तो त्रिज्या इसकी दे रखी है छह तो च्ये का स्क्वायर गुणा एच हमें पता नहीं है ठीक है क्या होगा भाई पाई से पाई कट गया ये जो छह स्क्वायर है ये भाग में आ जाएगा हमारे पास बचेगा एच बराबर चार गुणा चार दशमलव दो गुणा चार दशमलव दो गुणा चार दशमलव दो, दो बटे में तीन गुणा छ गुणा छीक है बस अब इसे हल कर लो पूरे को जो हल करके आंसर आएगा वही ऊंचाई का मान हो जाएगा तुम्हारी देखो भाई ये हो जाएगा तीन कम तीन इसे बाद में करते हैं पहले देखो ये होगा तुम्हारा कितना बयालीस छह सत्ते बयालीस ठीक है और जी तीन कम तीन तीन कम तीन तीन चौक बारह तो हमारे पास ये आ गया अब इन सबकी गुणा कर लो सात सत्य उड़नचस तो हो जाएगा जीरो दशमलव चार नौ जीरो दशमलव चार नौ गुणा सात सॉरी जीरो दशमलव चार नौ गुणा चौदह तो हो जाएगा उड़ंचस गुणा चौदह तो ये आ गया हमारे पास चान्यम छत्तीस का छह हासिल हो गया तीन चार चौक सोलह और तीन सत्रह नौ चार ये आ गया आपका छोलह का छह हासिल को गया एक चार पांच छीक है तो 666, बल्कि आपका एक दशमलव चार और दो तो तीन अंकों के बाद तो यह आ गया आपके पास जीरो दशमलव छह और इसकी गुणा करेंगे चार में तो एच का मान आ जाएगा आपका चार छिंग चौबिस का चार हासिल को गया दो चार छिंग चौबिस का चार छिंग चौबिस और दो छब्बीस का छह हासिल को गया दो 24 चार छिंग चौबिस और छब्बीस का छ हासिल को गया दो ठीक है चार गुणा जीरो तो दो आ जाएगा दो दशमलव छह चार सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया आपका ऊंचाई आ गई किसकी निकलकर आपकी इस बेलन की ऊंचाई निकलकर आ गई क्लियर हो गया सबको जल्दी से बताओ पूरा सवाल सबको समझ में आ गया बोलो भाई बोलो जल्दी से क्लियर है किसी को कोई डाउट है यहां पर बताओ भाई डाउट है किसी को यहां पर चलो अब आगे बढ़ते हैं और अपना अगला सवाल देखते हैं एक सेकंड देख लेते हैं जरा यहां पर चार छिंग चौबीस यह आएगा तुम्हारा चार निम छत्तीस का छह हासिल हो गया तीन चार चौक सोलह और तीन चार चार निम छत्तीस का छह हासिल हो गया तीन अरे चार चौक सोलह और तीन होगा उन्नीस 19, चार चौक सोलह और तीन होगा उन्नीस ठीक है फिर ये आ जाएगा नौ और ये आ जाएगा चार तो ये आ गया कितना छह से आ गया, नौर, नौर, का हासिल को गया एक, 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 एक तो तो हल्का सा बाकी कोई डिफरेंस नहीं है ठीक है ये हो जाएगा तुम्हारा कितना चार से गुणा करेंगे इसकी तो चार छिंक चौबीस का चार ठीक है हासिल को गया दो चार अट्ठे बत्तीस और दो चौतीस का चार हासिल को गया तीन चारिंक चौबीस और तीन सत्ताइस का सात हासिल को गया दो चार गुणा जीरो हो जाएगा, आपका जीरो और दो तो हमारे पास आ गया दो दशमलव सात चार चार सेंटीमीटर और यह हमारे इस का आंसर हो गया ठीक है तो ये देखो आज की जो समरी है उसे हम यहीं पर खत्म करते हैं और अब मास्टर थर्टी के लेक्चर में हम करेंगे इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो आई होप तुम लोगों को ये चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा मैं मिलता हूं सीधा तुमसे तुम्हारे नेक्स्ट चैप्टर में तब तक के लिए सारे बच्चे ध्यान रखो टेक केयर टाटा और